मैं सब तो पहला तो पंजाब के समुचे लोगों का जो विदेशों के बैठे उन्हों का भी धन्यवाद करना चाहनी हूँ जिन्होंने गो फंड के राही साड़ी काफ़ी सहायता की। उस तो बाद केंद्र सरकार विदेश मंत्री जयशंकर उन्हों का भी धन्यवाद कि उन्होंने लगातार साढ़े न संपर्क के रह के विदेश मंत्रालय ने लगातार संपर्क के रह के सू 10 दिन के अंदर मनप्रीत कौर मेरी सिस्टर आ उसकी डेड बॉडी भारत के पहुँचाई असं उन्हों का धन्यवाद कर जो कि मतलब एक यह सो सेवाजी आ कि उधरले विद्यार्थी जंक फिर इधरों आते हैं तो दिखाते हैं भी उधर बड़ी ऐश आ लुट पई आ पैसा बनता है ये गल्ला ने जिहड़ियां बिल्कुल व्यर्थ गल्ला ने उधर सेहत सहूलत बिल्कुल नहीं है। मेरा ब्रदर आज जिसने मतलब कि बॉडी भेजी है इधर मेरी मासी का मुंडा वह भी बीमार हो गया उसनों भी 12 घंटे इलाज नहीं मिले है ते इस तरह ही असं आपदे ते हंडाई असं दूजे पंजाब के लोगों को भी यही कहना चाहते हैं पूरे समुचे भारत के लोगों को कि विदेशों के भेजन तो पहला वे बच्चों बारे सोचो कि उधर कोई भी सेहत सहूलत नहीं है बच्चों बाकी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती हैगी फिजिकल सपोर्ट नहीं मिलती हैगी बहुत ज़्यादा काम करना पैंता 12-12 घंटे काम करना इस तो बाद शिफ्टों तो बाद पढ़ाई भी करनी डबल स्ट्रैस हो जाते स्ट्रैस कढ़न कोई भी तरीका नहीं है उन्होंने को मापियां नहीं दसते अपने दुख विदेशों के बैठे भी वो टेंशन लैणगे उत्थे तो सारा कुछ अपने ते सहन करते हैं तो इसलिए जेकर किसी ने अपने विद्यार्थियों को भेजना गा तो ग्रैजुएशन तो बाद भेजो या फिर सोच के भेजो भी उत्थे थोड़े हालात किवें होणगे कि थोड़े बच्चा उन्हें टैकल कर सकता या नहीं। मैं जून के आखिरी बार देखिया शॉपिंग करवाई सी तो अगस्त के गई आ तो मैं जून के आपके काम से चली गई सी उन्हें शॉपिंग करवा के पूरा पिंड ने मेरे सहौर पिंड ने हमीदी ने जथेबंदियां ने जिहड़ियां लोक पक्षी जथेबंदियां ने सब ने साडा बहुत साथ दिता सी धन्नवाद करते इस गल ते उन्हां दा पर जिहड़ा इह घाटा गा इह कदे भी पूरिया नहीं जा सकता।